जय साथियों, टॉन फिट का दिन मोटिवेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं अग्निवीर, इंडियन आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट कब तक आपका आ सकता है और आपका फिजिकल कब तक हो सकता है। और अभी बहुत से हमारे भाई कंफ्यूजन में है कि हम रनिंग करें या नहीं करें, फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, तो इन तमाम बातों पे वीडियो बनने वाली है। तो वीडियो जबरदस्त होने वाली है और बहुत से हमारे भाई ऐसे परेशान थे कि भाई आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, थोड़ी सी व्यस्तता थी जिसके वजह से वीडियो अपलोड करने में हम असमर्थ थे, लेकिन अभी आज से आपको हर एक अपडेट टाइम से मिलता रहेगा। कष्ट के लिए अभी अभी खेद है कि हमने बहुत सी जानकारियां आपको नहीं दे पाया इस बीच में। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको भर्ती से संबंधित सटीक और समय से जानकारी मिलती रहेगी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, देर न करते हुए वीडियो हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, सबसे पहली बात है कि बहुत से भाई हमारे कंफ्यूजन में कि रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट आए तभी हम दौड़े। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक गलती हो रही है। रिजल्ट का यदि आप इंतजार करें कि रिजल्ट आएगा तब हम दौड़ेंगे, तो ये गलती आप मत करिए, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले एक अपडेट जारी हो चुका है। आप ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाकर के उस अपडेट को चेक कर सकते हैं कि आपका फिजिकल जो है सेकेंड सप्ताह, जून सेकेंड सप्ताह में, यानी कि दूसरे सप्ताह में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा जून में। अभी आपका मई चल रहा है, यदि आप रिजल्ट का वेट करिएगा तो ऐसे में आप 1600 मीटर नहीं दौड़ पाइएगा, गारंटी है यार, लिख के दे सकता हूं, क्योंकि 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऐसे के हवा में कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी आप फिजिकल की तैयारी करिए, आपका रिजल्ट जो है आपका फिजिकल, यदि फिजिकल आपका जून महीने में सेकेंड सप्ताह में यदि आपका फिजिकल शुरू है, तो जायज सी बात है कि उससे पहले आपका 5 दिन 8 दिन 10 दिन पहले आपका रिजल्ट जारी हो ही जाएगा। ये तो 100% है, अभी भी जारी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इतना आप जानिए। लेकिन आपके पास फिजिकल के लिए समय नहीं बच पाएगा। यदि आप इस वेट में हैं कि मेरा जैसे रिजल्ट आएगा तब मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको बताना चाहते हैं 5 मिनट 40 सेकंड का यदि आपके पास टाइम है 1600 मीटर बनाने के लिए, तो इसको आप बहुत लंबा टाइम मत समझिए, क्योंकि अभी तमाम ऐसे फिजिकल चले हैं जिसमें बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो रनिंग क्लियर नहीं कर पाए। अभी देखिए AOC आर्मी ऑर्डिनेंस क्राफ्ट की जो वैकेंसी चल रही थी उसमें 6 मिनट में 1500 मीटर दौड़ना था, 6 मिनट में 1500, लेकिन बहुत से ऐसे भाई हमारे थे जो 6 मिनट में 1500 मीटर नहीं दौड़ पाए। आपको 5:40 से 45 सेकंड का आपको समय मिलेगा दौड़ने के लिए, तो आपको मेहनत करना चाहिए। यदि अभी आप मेहनत नहीं करिएगा तो छट जाइएगा। बहुत से भाई हमारे ऐसे ITBP का फिजिकल चल रहा था, 7.5 मिनट में उनको रनिंग करना था, नहीं दौड़ पाए हैं। तो अभी आप उसको हल्के में ना लें, क्योंकि यदि आप उसको हल्के में लेंगे तो हल्के में हल्का ही हो जाएंगे और फिजिकल समाप्त हो जाएगा। और आपके लिए बेहतरीन यही मौका है कि आप सिलेक्शन पा सकें, क्योंकि आप जरा सोच के देखिए यार, 2022 में 1,43,000 फॉर्म अप्लाई होता है इस आर्मी वाराणसी ARO जो है आपका, आर्मी वाराणसी ARO, उसमें 1,43,800 कुछ लड़कों ने फॉर्म अप्लाई किया था 2022 में, जबकि अभी उसके विपरीत 2023 में ओनली 43,000 कुछ लड़के फॉर्म को अप्लाई किए हैं। तो आपके लिए बेहतरीन गोल्डन चांस है, जो भी भाई एग्जाम में बैठे हैं उनको फिजिकल देने का मौका मिलेगा, इतना आप जानिए। यदि आपको थोड़ा सा भी विश्वास, अच्छा आप बताइए, आप रिटेन देने विश्वास पे ही गए थे ना कि हाँ मेरा रिटेन निकल जाएगा, तो उसी विश्वास पे आप अपने विश्वास पे कायम रखिए कि मेरा रिजल्ट में नाम आएगा, मुझको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अभी बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो फिजिकल की तैयारी 1% भी नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अरे यार रिजल्ट जब आएगा तब हम दौड़ेंगे, तो एक गलती है, आप गलती मत करिए। यदि आप गलती करिएगा तो वही होगा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई। जो करना है आज करो, काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुत करोगे कब। तो ऐसा ना हो कि आप कल पे टालते जाइए, कल करूंगा कल करूंगा, कल ना कभी आएगा ना कभी आप कर पाइएगा। तो उससे बेहतरीन है कि आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर अपने रनिंग शुरू करिए, फिजिकल शुरू करिए, क्योंकि
नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बता दिया गया है। आप नोटिफिकेशन में यहां पे देख लीजिए, नोटिफिकेशन साफ तौर पे बता दिया गया है कि इसमें आपका जून महीने में सेकेंड सप्ताह में आपका होगा फिजिकल, और आप अपने फिजिकल की तैयारी करते रहिए और अपने मेडिकल की तैयारी करते रहिए, यानी कि आपका दोनों साथ ही में होना है। तो उसमें भी फिजिकल में भी भैया आपको नंबर मिलता है, जो लड़का एक्सीलेंट ग्रुप में मारता है 100 नंबर मिलता है, गुड ग्रुप में मारने वाले को 88 नंबर मिलता है, इस तरह से आपका नंबर कटता है। तो यदि आप नंबर यदि आप रिटेन में थोड़ा सा लो भी रहेंगे तो फिजिकल अपना बेहतरीन कर जाइए ताकि आपको मेरिट में छटना ना पड़े। यदि इस पे हम वीडियो बनाए फिजिकल पे पूरी बात आपको बताएं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बस इतना ही आपको हम कहना चाहते हैं कि आप अपने फिजिकल की तैयारी करिए, आपका रिजल्ट जो है फिजिकल से पहले आपका रिजल्ट 100% आना है, जून में आपका फिजिकल होना है तो उससे पहले आप तैयार रहिए ताकि आपका जब भी आए आप जाकर के फिजिकल 100% करके आए। ऐसा ना हो कि आप तैयारी करने के चक्कर में रहे कि जब रिजल्ट आएगा तब हम तैयारी करेंगे, ऐसी गलती मत करिए। आप तैयार रहिए, जैसे आपको डेट मिलती है आप जाकर के वहां पे 100 में 100 अपना मार्क्स लाए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इन्हीं सब बातों पे हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट।